मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर, जिसका नाम है, पेपर हमारा है जूलॉजी पेपर सेकेंड, जिसका नाम है एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टेटिक्स। जंतु पारिस्थितिकी एवं जैव सांख्यिकी के बारे में अध्ययन करना है। पेपर सेकेंड की यूनिट सेकेंड की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा सेकेंड पॉइंट मेराइन इन्वायरमेंट, जिसमें करेक्टर स्टिक्स जोनेशन फोना एंड देयर आर अडेप्टेशंस के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आज जो हमें देखना है वो डीप सी है ना एंड इश्यूराइन फोना। तो सबसे पहले हम डीप सी की बात करेंगे। डीप सी में फोना कौन कौन से हैं या गहरा समुद्री क्षेत्र डीप सी जोन कौन कौन से हैं, तो आइए आज हम स्टार्ट करें डीप सी है ना जोन। बहुत सुंदर चित्रित एक पिक्चर का निर्माण हमने यहाँ पर किया है, देखिएगा आप, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो है डीप सी जोन या गहरा समुद्री क्षेत्र, जिसमें हम क्या देख रहे हैं फौना, ठीक है, प्राणी जात हमें देखना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन, परिचय से हम स्टार्ट करेंगे और इसकी जानकारी प्राप्त रखेंगे कि सबसे पहले हमें देखना क्या है। मैराइन हैबिट की बात करें हम, समुद्री आवास की, तो इन्हें हमने दो भागों में बांट रखा है, ठीक है, पहला वेलांचरी और दूसरा निस्थल बैंथिक। इसको हम बोलते हैं नीतल स्थल क्षेत्र और दूसरा हमारा है पेल्जिक वेला पर्वतीय, ठीक है। तो हमने कल देखा था हमारे पास यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है वो वेला पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि एक क्षेत्र जहाँ तक लाइट है और जहाँ तक लाइट नहीं पहुँच पाती है वहाँ तक, ठीक है। तो हम जैसे जैसे समुद्र की ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो दो हमारे पास जो डीप सी है वो जोनेशंस, जिसको प्रकाश की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर तीन भागों में बांटा है, ठीक है, यूफोटिक डायफोटिक और एफोटिक, ठीक है। तो एफोटिक वाला जो रीजन है जहाँ अप्रकाशीय क्षेत्र जो क्षेत्र है जहां पर लाइट नहीं पहुंच पाती, जो सूर्य का प्रकाश है वो नहीं पहुंच पाता है, इस प्रकार के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं एफोटिक जोन। जिसमें कौन सा बैंथिक रीजन में तीन प्रकार के क्षेत्र डिवाइडेशन थे इसमें, ठीक है, पहला है बेथाइल एप्साइल और हाइडल। ये तीनों क्षेत्र इस नीतल स्थल बैंथिक रीजन में देखा गया है, जिसमें हमें फोना देखना है जहां प्रकाश की उपस्थिति नहीं होती है, गहरे समुद्र के अंतर्गत जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इस जगह उसका प्राणी ऐसे प्राणी जात को देखना है जो वहां पर सर्वाइव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले हमारी पीपीटी की स्लाइड पर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ किस प्रकार के एनिमल्स को प्रदर्शित कर रखा है। देखिएगा सबसे पहला पिक्चर हमने यहाँ पर शो कर रखा है डीप सी गहरा समुद्री क्षेत्र में आप एनिमल्स देखेंगे, तो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स आपको दिख रहे हैं, एक डेविल जैसी संरचनाएं,
जो हमें देखने में बहुत ही भयानक एवं दर्दनीय स्थिति हो, उस प्रकार के एनिमेशन हमें यहाँ पर पिक्चर्स जो हैं वो दिख रहे हैं। यहाँ पर जो फिशेज हैं, इनवर्टिब्रेट्स जो भी एनिमल्स हैं उनकी पिक्चर्स हमने यहाँ पर कुछ लगा रखे हैं, जिनके टिट आई और उसकी सेल्स में फ्लूरोसेंट्स, ठीक है, जैव प्रदीप्त उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। अर्धपूर्ण शरीर हैं जिसमें उनकी बॉडी शेप्स को हम देख सकते हैं, उनके कलरेशंस को हम देख सकते हैं। तो कोई ना कोई एक विशेषता लिए होता है, जिसके सबसे पहले हम लोग इसके अंतर्गत इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। फोना ऑफ डीप सी, गहरे समुद्रों में आवास के प्राणी जात। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डीप सी इनहैबिट, गहरे समुद्री आवास की क्या क्या विशेषता है। डीप सी अडेप्टेशन, गहरे समुद्री आवास के अनुकूलन और संदर्भ के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, डीप सी जोन के लिए बात करते हैं। डीप सी एरिया इज कम्प्लीटेड विदाउट लाइट, जहाँ लाइट की प्रेजेंस होती ही नहीं है। इट इज प्रेजेंट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ 12,000 to 16,000 feet, ठीक है। 12,000 to 16,000 meter की गहराई पे जो समुद्री क्षेत्र है, ठीक है, वो क्या है, हमारा डीप सी जोन है या गहरा समुद्री क्षेत्र है, ठीक है। इस क्षेत्र में बेथाइल पी तलीय एप्साइल तथा हाइडल नामक उप क्षेत्र से युक्त होता है, जिसको अभी हमने बताया, बहुत सुंदर चित्रित है। सी, जहाँ लाइट प्रेजेंस नहीं होती, वहाँ की फोटोग्राफ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे कॉरल रीफ्स, इनवर्टिब्रेट्स हैं और कॉर्डेट में फिशेस यहाँ पर एक अपना एक विशेष रूप लेकर लिए होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गहरे समुद्र की आवास की विशेषता, करेक्टर फीचर्स ऑफ डीप सी हैबिट। डीप सी हैबिट एक्सिबिट एज स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ द बायोटिक एज द इन्वायरमेंटल कंडीशन आर स्टेबल है। द मेन फीचर्स ऑफ दिस डेंस आर द फॉलोअर्स। गहरा समुद्री आवास एक विशिष्ट प्रकार की बायोटाइप को प्रदर्शित करता है, क्योंकि यहाँ पर पर्यावरणीय परिस्थितियाँ स्थिर होती हैं और इस आवास की मुख्य विशेषता निम्न है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें लाइट की, ठीक है। गहरा समुद्री आवास से पहले प्रकाश विसरित एवं अवशोषित हो जाता है एवं तलहटी तक नहीं पहुंच पाता। इस क्षेत्र में दिन व रात्रि जैसी कोई घटनाएं नहीं होती, केवल मात्र प्राणियों को जैव संदीप्त द्वारा उत्पन्न प्रकाश एवं क्षेत्र में उपस्थित होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ बात कर रहे हैं डीप सी का, ठीक है। डीप सी में सबसे पहले हमें करेक्टर फीचर्स हमको देखना है। डीप सी में तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर लाइट। डीप सी के एनिमल, क्योंकि यहाँ पर तो डे और नाइट का कोई रोल ही नहीं है, तो यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं ना वो इस प्रकार से, जैसे हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, डार्क एनिमल है उस पर बायोल्यूमिनेसेंट जो है जी प्रदीप्ति उसका एक विभिन्न प्रकार का प्रकाश यहाँ उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं वो यहाँ पर नीचे बैंथिक रीजन जो था, समुद्र की गहराई जहाँ एफोटिक रीजन है, जहाँ प्रकाश की अनुपस्थिति है, वहाँ पर ये जानवर वहाँ पर पाए जाते हैं। इनके कुछ विशेष अडेप्टेशन है जिनके कारण ये वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं हम नेक्स्ट, हमें देखना है टेम्परेचर। समुद्र सतह में गहरे आवास की तरफ निरंतर तापमान कम होता जाता है। ऊपर की सतह, बीच की सतह में तापमान धीरे, उसके ऊपर अधिक,
तो इस प्रकार से समुद्र की जितनी गहराई में जाएंगे उतना तापमान कम होता रहेगा। उसके बाद हमें देखना है सीजनल चेंजेस में, देखें सीजनल चेंजेस में हम देखें कि गहरे समुद्री आवास में ऋतु परिवर्तन प्राय अनुपस्थित होता है। कोई ऋतु परिवर्तन से यहाँ कोई संबंध नहीं है, इस कारण वर्ष पर्यंत एक समान हवा ही बना रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेशर्स। समुद्र आवास में प्रत्येक 1000 फेदम, ठीक है ना, 1 फेदम बराबर 200 मीटर के पश्चात 1 टन इंच की दर में दाब में वृद्धि हो जाती है। इस कारण गहरे समुद्री आवास में सामान्य जीवन प्रभावित होता है। ठीक है, यहाँ पर हम डीप सी में जब बात करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने जो डीप सी की बात की है वो भी किसकी बात की है, प्रेशर की। प्रेशर या दाब की बात करें तो यहाँ पर बात कर रहा है 1000 फेदम मतलब 200 मीटर तक की गहराई के बाद अपना एक अलग ही वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसके लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे फेदम में रहने वाले या बैंथिक रीजन में रहने वाले एनिमल्स साइज में ज़्यादा बड़े नहीं होते, ठीक है, वो आकार में छोटे होते हैं। और जो ज़्यादा बड़े एनिमल होंगे वो कहाँ, ऊपर की तरफ वेला पर्वतीय बैंथिक में भी कहाँ पर, इस क्षेत्र की ओर ही रहते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखें नेक्स्ट, भोजन की कमी। ठीक है, प्रकाश की पूर्णतया अनुपस्थिति के कारण वनस्पति जात यहाँ पर अनुपस्थित होता है, क्योंकि लाइट नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं, ठीक है ना, तो प्रकाश संश्लेषण अनुपस्थित होगा। इस कारण गहरे समुद्री आवास के प्राणी ऊपरी सतह घिर कर आने वाले खाद्य पदार्थों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ऊपरी क्षेत्र में प्राणियों की उत्सर्जी अवशिष्ट पदार्थ जो कि गहरे आवास के प्राणियों के लिए भोजन का कार्य करते हैं, और गहरे समुद्र में तापमान कम होने के कारण इन पदार्थों का क्षय भी नहीं हो पाता। ठीक है, तो हम यहाँ पर फूड के लिए बात कर रहे हैं। तो फूड में क्या है कि इस लेवल इस जोन में रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं वो लोग खाते हैं उनसे बचा गिरा हुआ पदार्थ या इनका वेस्ट मटेरियल कहाँ पर जाता है, यहाँ पर जाकर गिरता है। तो यहाँ रहने वाले ये जीव इनको अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इन भोजन का कोई अपघटन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, लाइट नहीं है, तो जिसके कारण इनका जो वेस्ट मटेरियल है वो ये जीव इनका अपना एक भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, ठीक है, क्लैम वाटर मतलब नीचे शांत स्वभाव होता है। गहरे समुद्री आवास में जल धाराएं अनुपस्थित होती हैं, सतह जल सरफेस वाटर पर होने की क्रिया इस क्षेत्र में अनुपस्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आधार सबस्ट्रेट की बात करें तो गहरा समुद्रीय तल अवसादी सेंडिमेंट पदार्थों का एकत्र होने के कारण निर्मित होता है, और इस अवसादन में विभिन्न प्रकार के कंकालीय घटक उपस्थित होते हैं, क्योंकि एज ए पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें तो जितना भी उसका स्केलेटन सिस्टम से एक समय के बाद वो नीचे गिरता जाता है और वहां पर इकट्ठा होता जाता है, जिसको सेंडिमेंट का एक आधार माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है सैलिनिटी की बात करें, यहाँ पर लवणता की बात करते हैं तो गहरे समुद्री आवास में लवणता एक समान होती है। इसका मान 3.47% से 3.49% तक होता है। सैलिनिटी मतलब क्या है, ये अल्काइन हो सकती है। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा देखिए तो गहरे समुद्रों में आवास में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। इसका मान 3.27 से 5.88 CC प्रति लीटर होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है पॉपुलेशन की बात करें तो गहरे समुद्र आवास में जीव समष्टि, ठीक है ना, पॉपुलेशन जो है बहुत कम होती है। यहाँ संख्या लगभग 1/1000 घन मीटर प्रति होती है। ठीक है ना, मतलब 100 जानवर पर एक जानवर ही वहाँ सर्वाइव करेगा, ऐसी संख्या हो सकती है। ठीक है ना, हम गहरे समुद्र फोना ऑफ द डीप सी की बात करें तो फोना ऑफ डीप सी में देखेंगे यहाँ ओशियन लाइफ बाय डेप्थ बता रखा है। ऑलमोस्ट जितना भी है सारे जोन्स यहाँ पर बता रखे हैं, पर हमें कौन सा जोन देखना है, डीप सी का। ठीक है ना, डीप सी में आप देखेंगे ये सारे ये वाले एनिमल्स जैसे कि हम डेप्थ सी में देख रहे हैं ये, उसके बाद ये, इनके शेप्स, ये बॉडी शेप्स को आप देखिए,
डिफरेंट टाइप्स के हैं, ऐसा क्या कारण है? ठीक है, तो यहाँ रहने के लिए जो अनुकूलन है वो इनकी गहराई में आप देख सकते हैं। इनवर्टिब्रेट्स भी हैं यहाँ पर और वर्टिब्रेट्स एनिमल्स भी हैं, स्क्विड्स, ऑक्टोपस, ठीक है ना, ऑर्थोपोडन्स में। तो ये सारे कहाँ रहते हैं, जहाँ पर अंडरलाइन कर रखे हैं वाइट कलर से, ये सारे एनिमल्स कहाँ, डीप सी में रहते हैं। गहरे समुद्री आवास की प्राणी जात कौन कौन से हैं? ठीक है, फौना ऑफ डीप सी, ऑल थ्रू द कंडीशंस इन डीप सी हैबिटेट आर द अनफेवरेबल, द फाइलम ऑफ द मोस्ट ऑफ द फाइलम इन फाउंड हियर। यद्यपि गहरे समुद्री आवास में परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती हैं, फिर भी अधिकांश संघों के प्राणी जात यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं हम एनिमल किंगडम से, तो सबसे पहला हमारा प्रोटोजोआ है। तो प्रोटोजोआ में रेडियो लेरिस तथा नेफिलेरिया, एक्थेरिया तथा फायरोमैनी फेरस बहुतायत में पाए जाते हैं। ये डीप सी के एनिमल्स हैं। ठीक है, प्रोटोजोन्स की बात की है। पॉरीफेरा में हम देखें तो पॉरीफेरा में ग्लास स्पंज है, हाइलोनिमा है, फोरोनिमा है, स्ट्रो कैलिप्टिस है, यूप्लेक्टेला है, मुख्य रूप से पाए जाते हैं। सिलेंटेट्स की बात करें तो स्टोनिक कॉरल है, सी पैन है, सी एनिमोन्स, गार्गोनिया आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें एनेलिडास की बात करें तो एरेनिकोला, किप्टो टेरस, सेबेला, सेम्पुला आदि पाए जाते हैं। ऑर्थोपोडन्स की बात करें तो बॉर्निकल, आइसोपॉइड्स, एम्फीपॉइड्स, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, श्रिंप, लिमुलस एंड ऑर्थोपोड्स पाए जाते हैं। मॉलस्कंस में आप देखें तो काइटिन है, लैमेलिन ब्रैंक है, गैस्ट्रोपोड्स आए तो पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करें इकाइनोडर्म्स की, तो ऑलमोस्ट इकाइनोडर्म्स में यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें सी ऑर्चिन और स्टार फिश लाइक जस्ट है ना। फिशेस की बात करें कॉडेट्स में, तो फिशेस में हम देखें तो इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जो फिशेस है, एक तो काईमेरा है क्योंकि फ्लैट होता है, इसलिए हैरिओटा, प्रोटोस्टोमियोजिस है, गैस्ट्रोस्टोमस है, क्रिप्टोसीरस है। ठीक है ना, ये सारी फिशेस यहाँ पर पाई जाती हैं, आप देख सकते हैं ये मिड नाइट जोन में पाई जाने वाली फिशेस हैं। उसके बाद ये विलाइट जोन में पाई जाने वाली, और ये सनलाइट में। ठीक है, तो कम प्रकाश में पाई जाने वाली, अप्रकाश में पाई जाने वाली मछलियाँ और जो जानवर हैं वो हमें यहाँ पर देखने को। ठीक है, ये फोना ऑफ डीप सी था जिसके बारे में हमने देखा है। अब ऐसे क्या डिप्रेशन होते हैं जिसके कारण ये सर्वाइव करता है? ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें आकार की। सामान्यतः गहरे समुद्री आवास के प्राणी सतही प्राणियों की तुलना में आकार में छोटे होते हैं, जो हमने पहले ही बात कर ली थी। काइमेरा शार्क को छोड़कर सभी प्राणियों आकार में छोटे होते हैं। भोजन की कमी के कारण ये प्राणी छोटे आकार के होते हैं। सेकेंड है बॉडी फॉर्म, शरीर की आकृति को देखें। गहरे समुद्री आवास के प्राणी कोमल एवं बेलनाकार होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्यावरणीय परिस्थितियाँ निश्चित होती हैं, जिससे प्राणियों को उत्तरजीविता के लिए अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ता। जैसे क्रैब्स की लंबी टांगी, भंगुर ग्लास स्पंज, कोड के आकार की पूंछ, उसके बाद पार्श्व रूप से संपीड़ित शरीर इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट स्केलेटन्स, कंकाल के लिए। गहरे समुद्री आवास के प्राणियों का कंकाल मृदु, सॉफ्ट एवं अकलसीभूत होता है, क्योंकि निम्न ताप पर ये प्राणी सीए का संश्लेषण करने में असम्य होते हैं। ठीक है ना, इसी कारण गहरे समुद्र कैल्सियस स्पॉन्ज का अभाव होता है। गहरे समुद्री बाइनेकल में भी कवच अकलसीभूत होते हैं। मोलस्का में भंगुर कवच होता है, काइमेरा में अंत कंकाल अकलसीभूत यूनि कैल्सिफाइड्स होते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट आती है रंजकता, कलरेशंस। गहरे समुद्र आवास के प्रकाश की अनुपस्थिति में एक समान वर्णक प्रदर्शित करता है, मुख्यतः लाल, भूरा, काला, बैंगनी, नीला रंग मुख्यतः प्राणियों में पाया जाता है। फिर आता है स्टैक्ड पोजिशंस, व्रतीय स्थिति। ठीक है, व्रतीय स्थिति अधिकांश समुद्री प्राणी है जैसे स्पंज, एंटीडोन में कॉमल ग्रंथ स्टॉक पाया जाता है, जिनकी सहायता से ये समुद्र सतह पर चिपक सकते हैं।
नेक्स्ट आता है जैव संदीप्ति या बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। गहरे समुद्र प्राणियों में जैव प्रदीप्ति का पाया जाना एक सामान्य उदाहरण है। यह घटना मुख्य रूप से मछलियाँ, क्रिस्टेशियन, सिफेलोपोड, सिलेंट्रेट्स, तारामीन तथा कुछ एनालिट्स के सदस्यों में सामान्यतः पाई जाती है। यह परिघटना का उपयोग विपरीत लिंग के आकर्षण एवं शिकार की आकर्षित करने में किया जाता है। नेक्स्ट है आई, गहरे समुद्री आवास में प्रकाश की अनुपस्थिति में देखने के लिए आवास प्राणियों के लिए आंखें बड़े आकार की होती हैं। गोनोस्टॉम्स नामक मछली के सिर आंखें सिर की दो तिहाई भाग में उपस्थित होती है। इस प्रकार मछलियां जैसे ब्रोमोलेगिपिन्नस, रोजेलेकस, एम्फीपोडा, साइजोपोडा, सर्जस्टिडिस की आंखें बड़े आकार की होती हैं। इन प्राणियों की आंखों की शलाका की संख्या अत्यधिक होती है जबकि शंकु अनुपस्थित होता है। कौन और कौन सेल, ठीक है, और कॉर्ड सेल जो होती है तो इसमें जो कौन सेल होती है वो एब्सेंट होती है और रोड सेल यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो उस समय क्या है, अंधेरा है, रॉड है, तो ठीक है, कौन है ही नहीं, तो कलरेशन होगा ही नहीं, कलर वाली वस्तु इनको दिखेगी भी नहीं, और रोड है तो क्या ब्लैक एंड व्हाइट में अंतर डिफ्रेंशिएशन देख सकते हैं। सेंस ऑर्गन की बात करें, गहरे समुद्री आवास के दृश्य अंगों की अनुपस्थिति के कारण संवेदी अंग विकसित होते हैं। इनमें सेंस ऑर्गन वेल डेवलप होता है, जैसे क्रस्टेशियन की सदस्यों में एंटीना शरीर से भी लंबी होती है। गहरे समुद्री मछलियों की रेशमी लंबी होती है। बैथिप्टेराइस में एक अंश फिन पेक्टोरल फिन्स है ना, फिन जो होती है वो लंबी होती है। तो इस प्रकार के क्या होते हैं संवेदी अंग जल में तैरने वाले थोड़े ही परिवर्तन के ग्रहण ग्रहण कर ले सकते हैं उद्दीपन को। फिर आता है लैटरल लाइन सिस्टम। गहरे समुद्री आवास में लैटरल लाइन सिस्टम अत्यधिक विकसित होता है। इस तंत्र के कारण प्राणी गहरे समुद्री आवास में सफलतापूर्वक जीवन यापन कर सकते हैं। वेल डेवलप करेक्टर है लैटरल लाइन सिस्टम, जिसके कारण यह सर्वाइव कर सकता है। श्लेष्मा ग्रंथियां, म्यूकस ग्लैंड। गहरे समुद्री आवास की मछलियों में श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं और इन प्राणियों का संपूर्ण शरीर श्लेष्मा के आवरण से ढका रहता है। नेक्स्ट है लो मेटाबॉलिक रेट। गहरे समुद्र में आवास तापमान कम होने के कारण प्राणियों का जो मेटाबॉलिक रेट होती है वो भी कम होती है। उसके बाद आता है एयर ब्लडर, ठीक है, श्वसन के लिए। गहरे समुद्र की मछलियों में फिर भी अनुपस्थित होते हैं, फिर भी गोनोस्टोमेटिडी कुल की कुछ मछलियाँ वायुआशय एयर ब्लडर जो होता है वो वहाँ पर पाया जाता है। सेक्सुअल एडेप्टेशन की बात करें तो जीव समष्टि मतलब पॉपुलेशन घनत्व कम होने से यह उपयुक्त साथी की खोज कठिन होती है। इससे बचने के लिए प्राणियों कुछ लैंगिक अनुकूलन पाए जाते हैं, जैसे एंगलर फिश नर सदस्य प्रजनन काल में मादा के साथ चिपक जाते हैं, ठीक है ना, और एडियोलिकन्स में नर व मादा सदस्य उत्तक आपस में संलयित हो जाते हैं, ठीक है। फ्लैट बॉडी, नीचे रहते हैं। गहरे समुद्र में प्राणी पृष्ठदर रूप से चपटा रहता है क्योंकि गहराई के साथ प्रति वर्ग क्षेत्रफल का दाब का मान भी बढ़ता जाता है। बहुपीतकीय अंडे, ठीक है ना, अधिकांश मछलियों में बहुपीतकीय अंडे दिए जाते हैं। इन अंडों में स्फोटन परिवर्धन विकास अवस्था में होते हैं। कुछ मछलियां जरायुज प्रकार की होती हैं। गहरे समुद्र के आवास में प्लैंक्टोनिक लार्वा अनुपस्थित होता है। तो इस प्रकार से अभी हमने ये 10 से 15 हमने एडेप्टेशन देखे जिसके कारण ये वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ पिक्चर्स को देखेंगे हम, है ना, ऐसे डेविल जैसी फिश होती है, मतलब बहुत बहुत सारे एनिमल्स हैं, ठीक है ना, ऑल ओवर एनिमल्स इस प्रकार के फ्लोरोसेंस कलर। तो आइए हम सबसे पहले आज बात करें हमारा टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है। टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट से पहले हमने क्या देखा, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के बारे में देखा। फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट से पहले उसके बाद हमने मैराइन इन्वायरमेंट देखा और अब हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं वो हमारा टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम बात करें तो आज का हमारा जो मेन एजेंडा है वो है स्थलाकृति या स्थलीय टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट।
था लिया पारिस्थितिकी, है ना। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं हमारे परिचय की, इंट्रोडक्शन। और इस इंट्रोडक्शन इस परिचय के अंतर्गत हमें सामान्य लक्षण को देखते हुए हम देखें कि पृथ्वी पर असंख्य भूभाग यहाँ पर हमें देखना है आज स्थलाकृति या स्थलीय परिस्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के हमारे यहाँ पर 7 बायोम हैं और बायोम कहाँ से उत्पन्न हुए उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम हमारी पीपीटी की स्लाइड को देखते हैं। आज का जो हमारा मेन एजेंडा है वो स्थलीय परिस्थिति की है, जिसके अंतर्गत पहला परिचय, दूसरा करेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिस्ट्रियल हैबिट, तीसरा मेजर बायोम ऑफ द वर्ल्ड और संदर्भ के बारे में हमें चर्चा करनी है। सबसे पहले हमें देखना है कि टेरिस्ट्रियल इकोलॉजी क्या है, स्थलीय पारिस्थितिकीय स्थलीय पर्यावरण अन्य आवासों की तुलना में अत्यंत जटिल होता है। स्थलीय आवास में जलीय आवास की तुलना में पर्यावरणीय अंतःक्रिया अत्यधिक होती है। साथ ही हम बात करें यहाँ पर जो पर्यावरणीय अंतःक्रिया है, इसी से अनेक प्रकार के विचलन इस आवास में देखने को मिलते हैं। विभिन्न वातावरणीय भौतिक एवं जैविक कारक की परस्परीय अंतःक्रियाओं के कारण महाद्वीप द्वीप पर विभिन्न प्रकार की जो पारिस्थितिकी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। इन विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के अनुकूलन प्राणियों में उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे हम स्थलीय आवास की विशेषताएँ विभिन्न दो प्रकार से बता सकते हैं, जिसको हम बायोटिक और एबायोटिक के रूप में जान सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें हमारा, सबसे पहले हम लोग जो देख रहे हैं वो मैराइन इकोलॉजी में देखें तो करेक्टर फीचर्स की बात करें हम, ऑफ टेरिस्ट्रियल इकोलॉजी या टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट में हमें देखना है क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, ये दो प्रकार के घटक होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। जैविक घटक या कारक बोल सकते हैं और जैविक कारक। ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स को हम देखते हुए यहाँ पर देखें कि इस स्थलीय परिस्थिति के अंतर्गत हमें कौन कौन सी चीजें यहाँ पर देखनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अजैविक कारक स्थलीय आवास में के प्राणियों में जलीय आवास के प्राणियों की तुलना में अधिक सहनशील पाई जाती है। स्थलीय आवास के मुख्य अजैविक कारकों की विशेषता इस प्रकार है। ठीक है, स्थलीय परिस्थिति को विश्व के मुख्य जीवाओं के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एबायोटिक में सबसे पहले देखते हैं टेम्परेचर। ठीक है, तापमान को हमें देखना है। ठीक है, उष्मा के मापन की अभिव्यक्ति तापक्रम द्वारा अंशों में की जाती है। स्थलीय आवास में तापक्रम का उच्च वचन अत्यधिक होता है। विभिन्न स्थलीय आवासों में तापक्रम में तो अंतर होता ही है, किंतु एक ही स्थलीय आवास में भी तापक्रम दिन दिन तथा प्रत्येक दिन में अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न होता है। स्थलीय आवास में जीवों को अपनी उपापचय क्रियाएँ सामान्य रूप में बनाए रखने के लिए तापक्रम का उस जो उच्च स्तर बनाए रखना होता है। तापक्रम को उच्च व स्थायी बना रखने के कारण ही ऐसे जंतु जिनका तापक्रम उच्च एवं स्थायी रहता है, होमो
या नियत तापी कहलाते हैं, जबकि वातावरणीय ताप कम के आधार पर अपने शरीर का ताप उच्च ताप व स्थायी नहीं रख पाते उसे अनियत तापी या पॉलिक्यूलोथर्मल कहे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं सेकंड हमें लाइट देखनी है, प्रकाश। ठीक है, प्रकाश की बात करें तो प्रकाश विकिरण ऊर्जा का एक प्रकार है जो पादपों के प्राथमिक उत्पादन हेतु परम आवश्यक है। यह सर्वज्ञ तथ्य है कि पादपों के प्राथमिक उत्पादन पर ही समस्त जीव प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। समस्त जंतु भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश से प्रभावित होते हैं। आहार श्रृंखला में उत्पादन का सीधा संबंध प्रकाश से जुड़ा होने से भी जंतु अप्रत्यक्ष रूप से खाद्य श्रृंखला में प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट सॉइल मृदा के लिए देखना है हमें। ठीक है, मिट्टी पृथ्वी पर सबसे ऊपर की सतह को मृदा कहा जाता है, जिसका निर्माण चट्टानों के विघटन एवं सूक्ष्म जीवधारियों के कार्बनिक पदार्थों की निरंतर क्रियाओं के फलस्वरूप होता रहता है। इसमें अधिकांश जंतु एवं वनस्पति निवास करती है। स्थलीय आवास का यह अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण है। नेक्स्ट है उद्दीपन। उद्दीपन प्रकाश से जुड़ा उद्दीपन भी स्थलीय आवास का एक महत्वपूर्ण लक्षण माना गया है। अनेक लेखकों ने इसके पृथक से वर्णन किया गया कि उद्दीपन को ही आधार बनाकर प्रसिद्ध जीव विज्ञानी डार्लिंगटन ने एक दिन रात को जंतुओं की सक्रियता के आधार पर वर्गीकृत किया। डायर्नल दिनचर्या, नॉक्टर्नल रात्रिचर्य, एलरूप यानी प्रातःचर व संध्याचर जैसे शब्द प्रतिपादन आधार पर ही गढ़े गए हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ऑक्सीजन। ठीक है, प्राणवायु यान ऑक्सीजन समस्त स्थलीय आवासों में प्रचुरता में उपलब्ध रहती है। कारण है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का अनुपात स्थायी रूप से 21% से आसपास ही बना रहता है, जिसके फलस्वरूप जलचरों को ऑक्सीजन की कमी की समानता नहीं करना पड़ता। जलीय आवास में यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बदलती रहती है, वहीं स्थलीय आवास में स्थिर प्रदर्शित रहती है। और अंतिम में हमें देखना है जल। जल ही जीवन है, हम इसे अच्छे से ही जानते हैं। बिना जल के पृथ्वी पर कोई भी जीव संभव नहीं रह सकता। स्थलीय आवासों में जल की उपलब्धता सीमित होती है, किंतु जल की महत्ता एक परम आवश्यक को देखते हुए जल के अभाव से जीवों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतः स्थलीय जीव न्यूनतम जल में भी निर्वाह करने योग्य हो जाते हैं। जल की कमी का सामना सदैव जलचरों को करना पड़ता है। सूखे की समस्या सदा बनी रहती है। ऊंट जैसे जीव जल की अधिक मात्रा को शरीर में एकत्रित करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। इन आवासों को निर्जलीकरण से बचे रहने की क्रियाएं का सहारा जीवों को लेना ही पड़ता है। जंतुओं के साथ साथ पादप वर्ग के जंतु या जीव भी निर्जलीकरण से मुक्ति पाने हेतु विविध रूप से अनुकूलित होते हैं। तो ये हमारे जितने भी सारे फैक्टर्स थे, ये हमारे एबायोटिक फैक्टर्स और जैविक कारक। अब देखेंगे बायोटिक फैक्टर। ठीक है, जैविक कारक स्थलीय परितंत्र अत्यधिक विविधपूर्ण होता है। इसका वर्गीकरण अन्य परितंत्र के समान रूप से सरल नहीं है। स्थलीय आवास में स्वतंत्र जीव पोषण एवं अपमार्जक, ठीक है, स्वभाव के आधार पर स्वयंपोषी, विषमपोषी और अपमार्जक होते हैं। स्वयंपोषी जो अपना भोजन सेल्फ बनाए, ठीक है, इसको हम समझ सकते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है हमारी स्वयंपोषी है जो है जंतु है, जिसको हम ऑटोट्रॉफ के नाम से भी जाना जाता है। हेटरोट्रॉफ हर्बीवोरस कार्निवोरस और स्क्वेंजर, इसको हम अपमार्जक बोल सकते हैं। बात करें हम बायोटिक फैक्टर्स की, बात कर रहे हैं जैविक कारक की, तो जैविक कारक के अंतर्गत हमें ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक और स्क्वेंजर। स्वयंपोषी, विषमपोषी,
एवं अपमार्जक। ठीक है, अब ये दो प्रकार के होते हैं, शाकाहारी एवं मांसाहारी। हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। जो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाए उसे हम स्वयंपोषी या ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ में कन्वर्ट होता है। जो विषमपोषी ग्रीन प्लांट्स को खाए तो वो हर्बीवोरस एंड फूड के रूप में ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड रहे वो कौन होंगे, कार्निवोरस। और इनकी डेथ के बाद छोटे छोटे अपघटक के रूप में टूटना, ठीक है, स्क्वेंजर्स या अपमार्जक कहलाता है। तो इस प्रकार से हम बायोटिक फैक्टर्स में यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें जो देखना है नेक्स्ट, हम बात करें स्थलीय आवास की विशेषताओं को, आप देख सकते हैं एडेफिक कौन सी है, एबायोटिक में देख रहे हैं फैक्टर से, इकोलॉजिकल फैक्टर से। बायोटिक में आप देख सकते हैं, ठीक है, और क्लाइमेटिक में कौन कौन से हैं, ठीक है, जिस पर हम अभी चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट हमें जो देखना है, विश्व के प्रमुख बायोम कौन कौन से हैं। तो मेजर बायोम ऑफ द वर्ल्ड, पृथ्वी के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाए जाने वाले स्थलीय जैविक समुदाय, तापक्रम, नमी, खनिज पदार्थ की उपलब्धता, प्रकाश आदि के अनुसार विभिन्न प्रकार के होते हैं। इन विभिन्न क्षेत्रीय पारिस्थितिकीय कारकों के कारण होने वाली पारस्परिक अंतःक्रियाओं के कारण विशिष्ट लक्षणों युक्त सामुदायिक इकाइयों का निर्माण होता है, और ये सामुदायिक इकाई क्या कहलाती है, बायोम कहलाती है। ठीक है, बायोम कहाँ से आए, ठीक है ना, उसके बारे में चर्चा करें। ठीक है, माना हमने कोई एक जाति है, जैसे बायोम की बात की अभी, ठीक है, बायोम के लिए हम बात कर रहे हैं, बायोम आया कहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें ऑर्गेनिज्म, जिसको हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल स्पीसीज, वहां से ये किस में गया, पॉपुलेशन में, जिसको हम समिष्टि, जीव समिष्टि कहते हैं, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, समुदाय, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बायोम एंड बायोम से बायोस्फीयर। हमें क्या देखना है, तो हम सबसे पहले बात करें कि ऑर्गेनिजम्स बना है, कोई जीव है, कोई एक जाति, ठीक है, इंडिविजुअल स्पीसीज माना कि मान लेते अपन ने, पक्षी, ठीक है, तो ये सभी जातियां एक जैसी, पर यहां पर नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत सारी बढ़ गई, ठीक है, और यहां पर डिफरेंट डिफरेंट, तो जीव समष्टि से समुदाय, और समुदाय से हमारा पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि ये इकोसिस्टम पर्टिकुलर एक बायोम का निर्माण करता है, और संपूर्ण बायोम मिलकर जीवमंडल या बायोस्फीयर का निर्माण करता है, जिसमें पृथ्वी पर, संपूर्ण विश्व पर हम जो बायोम देख रहे हैं वो विभिन्न प्रकार के हैं, जिसमें से हमें टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में हम 7 प्रकार के बायोम के बारे में देखते हैं। आइए हम देखते हैं,
प्रत्येक बायोम के चरम वनस्पति क्लाइमेटिक वेजिटेशंस की विभिन्न प्रकार के एक स्वरूप होते हैं। इस प्रकार घास के बायोम में घास, टेंगा में शंकुधारी वृक्ष, वनों की पर्णपाती वृक्ष मुख्यतः पाए जाते हैं। एक ही बायोम के विभिन्न क्षेत्रों में चरम वनस्पतियाँ एवं प्रजातियाँ भिन्न प्रकार की होती हैं। चरम वनस्पति के विभिन्न प्रकार के भौतिक पर्यावरण फिजिकल इन्वायरमेंट पर निर्भर करती है। पारिस्थितिकी विज्ञों के अनुसार विशिष्ट पारिस्थितिकी क्षेत्र में पाई जाने वाली विशिष्ट वनस्पति एवं प्राणियों की वह जटिल समूह जो अपने विशिष्टता के आधार पर अन्य सामुदायिक आवास को स्पष्ट एवं भिन्नता प्रदर्शित करती है, इस क्षेत्र को बायोम कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के मध्य 7 मुख्य स्थलीय बायोम पाए जाते हैं जो इस प्रकार हैं। आइए हम देखते हैं इन 7 बायोम के बारे में। पहला बायोम हम देखते हैं, देखिए ये विश्व के प्रमुख बायोम है, मेजर बायोम ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसमें टेम्परेट ग्रासलैंड है, मेडिटेशन नीम्स है, टुंड्रा, हॉट डेजर्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, पोलर आइस, सवीना है ना, माउंटेनियंस है ना, कॉनिफर्स फॉरेस्ट है, और उसके बाद डियर फॉरेस्ट। ये सारा हमने जो लिया है यहाँ पर पृथ्वी के विभिन्न भाग पर अलग अलग क्षेत्र हैं, जिसमें सबसे पहला हम देखते हैं डेजर्ट बायोम या मरुस्थली बायोम। आप जान सकते हैं कैमल एंड कैक्टस ट्रीज के लिए फेमस है। नेक्स्ट वनीय बायोम, फॉरेस्ट बायोम में आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के फॉरेस्ट, ठीक है, जंगल शामिल हैं। नेक्स्ट पर्वतीय बायोम, माउंटेन बायोम, जहाँ पर माउंटेन में रहने वाले एनिमल और वहाँ पर सर्वाइविंग करने वाले जो है वेजिटेशन से वो ही रह सकती है। घास के मैदान, ग्रासलैंड बायोम, लंबे लंबे घास के मैदान होते हैं जहाँ दूर दूर तक कोई पहाड़ नजर नहीं आता, ठीक है। टुंड्रा बायोम्स, ऐसी वेजिटेशन जो अपने एक अनोखे पर्यावरण या अनुकूलन में अपने जीव जंतुओं को रहने के लिए अनुकूलनता प्रदर्शित करती है टुंड्रा बायोम में। टेगा बायोम में आप देख सकते हैं शंकुधारी वनों का पाया जाना। केव बायोम, गुफा के अंदर पाए जाने वाली वेजिटेशंस एंड फ्लोरा एंड फौना को हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से विश्व की प्रमुख 7 बायोम हैं जो हमने अभी पिक्चर के रूप में देखा है। संदर्भ की बात करें, ये कौन कौन सी पुस्तक से लेकर बनाया है, तो एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टेटिक्स, जिनके लेखक पारिक भटमेवाड़ा एवं रावत जी हैं। अलका पब्लिशन से लिया गया है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, डॉक्टर अरविंद भाटिया एंड डॉक्टर कुलवंत सिंह कौली, RBD पब्लिकेशन से लिया गया है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, PD शर्मा, रस्तोगी पब्लिकेशन से। एंड कंसेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड अरुमंगम, सारस पब्लिकेशन से लिया गया है। अधिक जानकारी के लिए दिया गया व्हाट्सएप नंबर 7424843007 पर संपर्क कर सकते हैं, और यह हमारा ईमेल ID एड्रेस है BIHScollege20@gmail.com। धन्यवाद।